9 से 10 लाख लोग जो हैं वो साल 2023 में पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। एजुकेशन सेक्टर तबाह हो गया, जॉब सेक्टर तबाह हो गया। आप मेन रीज़न क्या करार देते हैं, किसको सबसे बड़ी वजह करार देंगे? यार इसकी एक ही रीज़न है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से ये सारे मामलात हैं कि लोग बाहर जा रहे हैं और मुल्क पाकिस्तान जो है हमारा जहाँ कोई रहना नहीं चाह रहा, इसकी मेन वजह जो हमारा इकोनॉमिक डाउनफॉल है मैं उसी को करार दूंगा। इसकी ना दो तीन मेन रीज़न मेरे ख्याल में, एक तो ये ना ये जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पाकिस्तान में पहले अगर हम पिछले 4 सालों का कंपैरिजन देखें, इतनी आवाम पाकिस्तान से बाहर कभी नहीं गई, रोज़गार की तलाश में है, रोज़गार भी नहीं है, इंजीनियर डॉक्टर वगैरह तकरीबन हर तबका फ़िलहाल पिछड़ रहा है। यहाँ से बाहर जाने की जो लोग जा रहे हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ आर्जी तौर पर नहीं जा रहे, हर बाहर जाने वाले का ये मेन गोल है कि काश मैं उधर का नेशनल हो जाऊँ। आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो सकते हैं या ये हालात मज़ीद अबतर होंगे? हालात मज़ीद ख़राब होने वाले, क्योंकि एक तो हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब है, दूसरा हमारा जॉब सेक्टर जो है वो भी काफ़ी अनफेयर है। बच्चे 4-4 साल डिग्रियां करते हैं, उनको यहाँ पे जॉब्स इतनी कम पे भी मिलती हैं। फिलहाल जैसे मुल्क जा रहा है ना, फिलहाल तो वैसे नहीं लगता, तो बाकी उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि हालात अब मज़ीद जो बेहतरी की तरफ तो जाना इम्पॉसिबल सी सिचुएशन लग रही है। इवन दो कि हमें कर्ज़ा मिल गया है, लेकिन उस कर्ज़े को क्या करेंगे कि आवाम पे खर्च करने के बजाय गवर्नमेंट क्या है वो अपने ऊपर ही लगाएगी। और जब तक हमारी पॉलिटिकल फाइट्स हैं तब तक हम लोग ना बिल्कुल बदनाम हैं, क्योंकि हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, हमारे में एक यूनिटी नहीं है। दूर दूर तक कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती कि कभी भी ये हालात तब्दील होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद मुजम्मिल अवान मखसूस मीडिया के इस खसूसी सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुल्क के बदतरीन मौशी हालात ने पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके महदूद कर दिए हैं। इन हालात में एक आम आदमी परेशान है, और इकनॉमिक स्टैटिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इमिग्रेशन ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 9 से 10 लाख अफराद जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ कर जा चुके हैं। इसकी असल वजह क्या है, एक आम आदमी अपने ख्याल का इजहार कैसे करता है, काम शहरी से उसकी राय जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? हमाद। हमाद साहब, एक पढ़ा लिखा बंदा जो है वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है, इसकी मेन रीज़न क्या है? क्या कोई इकोनॉमिक डाउनफॉलिंग है, कोई क्राइसिस आ गया है, या मुल्क में महंगाई इतनी हो गई है कि लोग अब समझते हैं पाकिस्तान में कुछ भी नहीं? एक ही रीज़न है, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक बंदा 15-20 लाख रुपये की डिग्री करता है, ठीक है, उसके बाद उसे 25-30 हज़ार रुपये की जॉब मिलेगी, तो डूब मरने का मुकाम है ना पाकिस्तान में। यही बंदा अगर आउट ऑफ कंट्रीज में जाता है तो उसे भाई वहाँ पे 2-3 लाख रुपए की सैलरी मिलती है, अच्छी टेबल मिलती है, अच्छा सिस्टम मिलता है, वहाँ जाके वो काम कर रहा है। क्या पाकिस्तान में आइंदा मुस्तकबिल में कोई रोज़गार के मौके देख रहे हैं? लग रहा है कि कोई पाकिस्तान में लोगों के हालात बेहतर होंगे या इससे भी बेहतर होंगे? जब तक ये हमारी पॉलिटिकल फाइट्स नहीं खत्म होंगी कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता, जब तक हमारी पॉलिटिकल फाइट्स हैं तब तक हम लोग ना बिल्कुल बदनाम है जी, क्योंकि हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, हमारे में एक यूनिटी नहीं है, ठीक है। जो यूनिटी, फेयर, डिसिप्लिन जो हमारी एक मेन चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, वो हमारे में है ही नहीं, तो हम कैसे काम करें? वो मेरे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि जो साल 2023 है इसमें 9 से 10 लाख पाकिस्तानी जो हैं पढ़े लिखे नौजवान अब तक पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इतनी डाउनफॉलिंग हो गई है कि आम आदमी पाकिस्तान में अब सर्वाइव नहीं कर सकता और उसके लिए पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया? बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब पाकिस्तान में पहले अगर हम पिछले 4 सालों का कंपैरिजन देखें, इतनी आवाम पाकिस्तान से बाहर कभी नहीं गई, रोज़गार की तलाश में है, रोज़गार भी नहीं है, इंजीनियर डॉक्टर वगैरह तकरीबन हर तबका फ़िलहाल पिछड़ रहा है। महंगाई इतनी हो चुकी है, आपको पता है पेट्रोल के रेट कितने आई हैं, इतना तो खैर कभी भी नहीं हुआ पूरे 4 साल में से। महंगाई की वजह से लोगों को अपना फ्यूचर यहाँ पे इनसिक्योर नज़र आ रहा है, इतना उनको सही नज़र। पाकिस्तान में एजुकेशन और जॉब का जो सेक्टर है वो बड़ी बुरी तरह तबाह हो गया, आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में इस हवाले से कोई इकदाम होंगे या ये हालात और अबतर होंगे? जैसे कि फ़िलहाल तक हालात चल रहे हैं जिनकी हुकूमत है फ़िलहाल, ऐसा लगता तो नहीं कि कुछ बेहतर होंगे। हाँ, अगर कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर पाकिस्तान में कोई तब्दीली आए, कोई अच्छी तब्दीली आए, तो हो सकता है कि मेरे ख्याल से फिर तो ओवरसीज़ भी पाकिस्तान की आने की कोशिश करेंगे। अच्छा यही होगा कि दुआ यही है हमारे कि खैर पाकिस्तान बेहतरी आए, लेकिन फ़िलहाल के अगर सिचुएशन देखें तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तान में मतलब बेहतरी आएगी। जी मेरे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, जी आप क्या समझते हैं कि लोग पाकिस्तान क्यों छोड़ रहे हैं? क्या इकोनॉमिक डाउनफॉलिंग इतनी हो गई है कि लोग रोज़गार की तलाश के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं और पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है? एजुकेशन वाले सेक्टर को देख लें, तबाह हो गया, आप क्या समझते हैं? देखें, बाहर जाने का सबसे मेन रीज़न तो यही है, यहाँ पर रोज़गार नहीं है। रोज़गार और स्टूडेंट, गरीब का बच्चा अगर पढ़ता है तो उसके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आगे वही लोग आ रहे हैं जो पहले से ही मालदार हैं, वो उन्होंने अपने बेटों को ही आगे करना है, ना कि कोई गरीब का बच्चा आगे आ रहा है। सो इसीलिए सब बाहर जा रहे हैं कि बाहर जाके रोजे का मैं अपना रोज़गार सेट करें। और क्या हुकूमतें तब्दील होने से कोई इकदाम बेहतर हो सकते हैं या ये हालात मज़ीद अबतर होंगे?
नहीं, हुकूमतें तब्दील होने से तो कुछ बेहतर नहीं होगा, क्योंकि जो हुकूमत पे आता है वो अपना ही देखता है, वो ये नहीं देखता मुल्क में क्या हो रहा है, सब अपने ही सेट करने पे लगे। आप बतौर एक सिटीजन के अपने आप को कैसे प्रेफर करेंगे कि आप पढ़े लिखे नौजवान की हैसियत से पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे या बैरून मुल्क जाना पसंद करेंगे? बैरून मुल्क ही बेहतर रह जाएगा, क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान के हालात जी, पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं लोग, 9 से 10 लाख लोग जो हैं वो साल 2023 में पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। एजुकेशन सेक्टर तबाह हो गया, जॉब सेक्टर तबाह हो गया, आप मेन रीज़न क्या करार देते हैं, किसको सबसे बड़ी वजह करार देंगे? यार इसकी ना 2-3 मेन रीज़न मेरे ख्याल में। एक तो ये ना, ये जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, जिसकी वजह से ना अभी मैं खुद आइल्स मैंने काट चुका हूँ, 6.5 बैंड आए मेरे, तो अभी मैं बाहर जाने के लिए ना वो अप्लाई कर रहा हूँ, अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए मैंने अप्लाई किया, तो वो कह रहे हैं आपके ना मुल्क की ना करंट की पॉलिटिकल सिचुएशन से ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ना बहुत सारी मुश्किल हो रही, ऊपर से जॉब आपको पता वो मिल रही नहीं है। इमिग्रेशन ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो लोग बहुत तेज़ी के साथ पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे या मज़ीद अबतर होंगे? यार लगता तो नहीं, फिलहाल जैसे मुल्क जा रहा है ना फिलहाल तो वैसे नहीं लगता, तो बाकी उम्मीद कर सकते हैं, अंधेरी रात के बाद जाला ज़रूर आएगा इंशाल्लाह, तो होप तो यही है, तो अपना वतन तो अपना होता है पर छोड़ना के, पर इन्होंने मजबूरी इतना कर दिया, हमें भी क्या कर सकते, लग नहीं रहा कि मुस्तकबिल में भी हालात बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। प्यारे भाई क्या नाम है? जी मेरा नाम सुनैर है। जी आप ये बताएं कि पाकिस्तान जो है उसमें इकोनॉमिक डाउनफॉलिंग दिन ब दिन बढ़ रही है, लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर तबाह हो गया, जॉब सेक्टर तबाह हो गया, आप सबसे बड़ी जिम्मेदारी किस पे डालेंगे? आप समझते हैं कि कौन जिम्मेदार है कि लोग रोज़गार की तलाश के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं और पाकिस्तान में रोज़गार नहीं है? देखें इसका जो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से ये सारे मामलात हैं कि लोग बाहर जा रहे हैं और मुल्क पाकिस्तान जो है हमारा जहाँ कोई रहना नहीं चाह रहा, इसकी मेन वजह जो हमारा इकोनॉमिक डाउनफॉल है मैं उसी को करार दूंगा। उसकी बेसिक वजह ये है कि हमारा जो मुल्क है वो बेसिकली IMF के कर्ज़ों पर चल रहा है, ठीक है, तो अब वो क्योंकि आपको पता है अभी रिसेंटली IMF ने अप्रूव किया है लोन जो कि तकरीबन 1.5 साल से चल रहा था प्रोसीजर, तो अभी जाके वो अप्रूव हुआ है लेकिन अभी तक हमारे अकाउंट्स में डिपॉजिट नहीं हुआ, तो यही वजह थी कि पाकिस्तान एक डिफ़ॉल्ट के मोड पे था, लेकिन डिफ़ॉल्ट ऑलमोस्ट हुआ नहीं है लेकिन टेक्निकली डिफ़ॉल्ट था, डेढ़ साल जो का जो पूरा अरसा था उसमें हम डिफ़ॉल्ट ही चल रहे थे। इसकी वजह से क्या हुआ कि एक तो हमारा डॉलर का रेट बड़ा ऊपर चला गया और जिसकी वजह से जहाँ पे महंगाई बढ़ गई तो लोग जिनके पास थोड़े बहुत वसाइल से रिसोर्सेज थे उन लोगों ने क्या किया है कि सोचा है, सारी सिचुएशन को एनालिसिस किया है, तो उन्होंने उन वसाइल को यहाँ इन्वेस्ट करने की बजाय उन्होंने कहा है कि हम किसी कंट्री में जाएँ, डेवलप कंट्री में, जहाँ पे हम अपने फैमिली के लिए और अपने लिए एक अच्छी अर्निंग कर सके, जहाँ पे लाइफ फैसिलिटीज़ जो हैं वो अच्छी। अच्छा ये बताएं कि इन फ्यूचर आपको लग रहा है कि क्या हुकूमत बदलने से कोई इकदाम बेहतर हो सकते हैं या ये हालात मज़ीद अबतर होंगे? नहीं मुझे लगता है कि हालात अब मज़ीद जो बेहतरी की तरफ तो जाना इम्पॉसिबल सी सिचुएशन लग रही है, इवन दो कि हमें कर्ज़ा मिल गया है लेकिन उस कर्ज़े को क्या करेंगे कि आवाम पे खर्च करने के बजाय गवर्नमेंट क्या है वो अपने ऊपर ही लगाएगी और अपने ही जो जैसे 75 साल से सिचुएशन चल रही है वैसे ही होगा, तो इसमें कोई चेंज मैं नहीं देख होता हुआ नज़र देख रहा रहेगा। जी पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, एक हालिया सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 9 से 10 लाख अफराद जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं, आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में हालात मज़ीद अबतर होंगे और कोई बेहतरी के इम्कान नज़र आ रहे हैं या लग रहा है कि पाकिस्तान में लोगों के लिए रोज़गार ख़त्म हो गया, ख़ास करके एक पढ़े लिखे नौजवान के लिए? जनाब सबसे पहले तो मैं ये आपको एक बड़ी सिंपल मिसाल से समझाना चाहूँगा कि जब घर की बाढ़ घर को खाने लग जाए और जो मुहाफिज़ हैं वो आँखें बंद कर जाएँ और जो दूसरे कल्चर्स और दूसरी चीज़ें जब इन्वेड करना शुरू कर दें आपकी सोसाइटी पर, तो तब जो है वो घर लोगों के लिए महफूज नहीं रहता, तो लोग फिर मूव करते हैं जहाँ पे उन्हें अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी नज़र आती है, जहाँ पे उन्हें अपनी सोशल सिक्योरिटी नज़र आती है, जहाँ पे उन्हें अपने राइट्स की कुछ वो नज़र आती है, सारी चीज़ें। यहाँ से बाहर जाने की जो लोग जा रहे हैं ना वो सिर्फ़ और सिर्फ आर्जी तौर पे नहीं जा रहे, हर बाहर जाने वाले का ये मेन गोल है कि काश मैं उधर का नेशनल हो जाऊँ। सबसे बड़ा जो डिलेमा है वो हमारी सोसाइटी का पाकिस्तान का ये है कि लोग आर्जी तौर पर जाते तो फिर भी था कि गया पैसे चार कमा के वापस आ गया तो बड़ी बात है, लेकिन लोग जा रहे हैं कि यहाँ से वैसे ही जान छूटे, ऐसा क्यों हो गया?
पाकिस्तान में जॉब सेक्टर भी तबाह हो गया, एजुकेशन सेक्टर भी तबाह हो गया, क्या हुकूमतों के बदलने से कोई इकदाम बेहतर हो सकते हैं या मजीद हालात ख़राब हों? नहीं, हमें तो बिल्कुल दूर दूर तक कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती कि कभी भी ये हालात तब्दील होंगे। हाँ, कहते हैं कि अल्लाह के दर से जो है वो इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, वो बात बजा है, लेकिन अगर मैं दुनियावी हवाले से और इस स्ट्रक्चर को और इस सिस्टम को और इसके स्टेक होल्डर्स को देखूं तो मुझे इसके अंदर कोई चेंज दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। खुद सारे खाने वाले बैठे हुए हैं, अपनी मराहत और अपनी इम्यूनिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करेंगे, फर्म करेंगे, लेकिन जो जो पब्लिक के हैं मफाद में चीज़ें हैं उन पर कोई ध्यान नहीं है, और बिज़नेस बन चुका हुआ है खसूसी तौर पर, एजुकेशन तो जो है वो तो बिल्कुल हो ही ऐसा गया है, और जॉब सेक्टर बस एजुकेशन के साथ वो डायरेक्टली मुंसलिक है, और फिर ये है कि जो क्रीम है हमारी वो वैसे बाहर जा रही है, तो प्रोग्रेस कैसे हो सकती है? अब हमारे जैसे नलायक भंडे इधर रह जाएंगे, हमने कौन सा जो आइंस्टाइन की तरह कोई नई चीज़ यहाँ पे लेके आ जानी है? तो ये इस पर हुकूमत के सर है ये जिम्मेदारी जिन्होंने ये सारी तबाही मचाई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़हीर। जी ज़हीर साहब, पढ़ा लिखा जो तबका है वो पाकिस्तान में बहुत बुरी तरह पिस चुका है, लोग बाहर जा रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ जो है पाकिस्तान में डाउन फॉलिंग देख रहे हैं हम। 9 से 10 लाख अफराद जो है वो साल 2023 में पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। आप जिम्मेदारी किस पर डालते हैं, इसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार किसको करार देंगे? सर देखें, इसकी ज़िम्मेदारी तो हुकूमत पे ही जाती है कि हुकूमत को चाहिए कि इसको अच्छे तरीके से देखना चाहिए। आप देखें बजट में, आप देख लें कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि हर बंदे की सैलरी इतनी होनी चाहिए, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। अब मार्केट में भी विज़िट कर लें, कोई 15,000 को 20,000 तनख्वाह दे रहा है, लोग मजबूर हैं, अगर ना काम करें तो घर का सरकंड नहीं चलता। इस वजह से यही सिस्टम सारा ऊपर की तरफ जा रहा है। अब सरकारी मुलाजम को तो पता है कि मेरी 15% बढ़ गई तनख्वाह, तो वो तो कुछ नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जो नीचे वाला तबका है ना पिस गया, वो एक तो महंगाई हो गई है और माशी हालात भी मौसमी तब्दीलियों की वजह से भी मुल्क के हालात नहीं ठीक। बिल्कुल, सलाब हो गया, ये कोरोना पीछे आप देख लें सारा निज़ाम इसी तरह है, और गवर्नमेंट को अब गवर्नमेंट क्या करे, ज़रे मुबादला आप देख लें 12 अरब डॉलर तक। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, नाहली है, एक फेलियर है, लेकिन आप समझते हैं कि क्या हुकूमतें बदलने से हालात बेहतर हो सकते हैं, और अगर हुकूमत तब्दील हो जाती है तो नई आने वाली हुकूमत जो है वो आवाम को रोज़गार दे सकती है या पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार मिल सकता है? जी ये तो बात अब की बिल्कुल ठीक है, अगर आवाम चाहे जिसको वोट दे, अच्छा बंदा आए या नून लीग आए, पीपल पार्टी, कोई भी आए, लेकिन आवाम के लिए पहला सोचना चाहिए। अब 2 साल से इनकी लड़ाई हो रही है, नीचे तो कोई देखता ही नहीं है कि नीचे क्या हो रहा है। आप बतौर एक सिटीज़न के पाकिस्तान में रहना प्रेफर करेंगे या बाहर के मुल्क में जाना प्रेफर करेंगे जितनी महंगाई हो गई है? सर आप देख लें, आप बाहर अगर जाना है ना तो 2-4 साल 5 साल 10 साल आपने फिर बाद में कहाँ पर आना है, पाकिस्तान में आना है ना, तो यहीं से सोचें, यहीं करें, जो भी करना है अपने लिए भी करें और दूसरों को भी काम के लिए मुतवज्जा करें कि ये पाकिस्तान में सब कुछ है, अगर हम पाकिस्तान में रह के काम करेंगे तो फिर मईशियत सही होगी। तो बाहर क्या कर लेंगे, कितना अरसा कर लेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी प्यारे भाई क्या नाम है? मेरा नाम कुरम भट्ट। जी भट्ट साहब, पहले ये बताएं कि जो पढ़ा लिखा तबका है वो बड़ी बुरी तरह पिस चुका है पाकिस्तान में, जो हालिया सर्वे रिपोर्ट है उसके मुताबिक 9 से 10 लाख अफराद जो है वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं, बैरून मुल्क क़याम पज़ीर हैं, पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर भी तबाह, जॉब सेक्टर भी तबाह, आप सबसे बड़ी वजह किसको करार देंगे? सर मसला पता है क्या है, पाकिस्तान में जब भी हुकूमत चेंज होती है ना, ये सारे मसले मसाइल आते ही आते हैं। आप 2013 को देख ले, लोड शेडिंग का इतना मसला था, हुकूमत आई, लोड शेडिंग का मसला हुआ, आपकी GDP अप गई, आपके मुल्क में कारोबार बढ़ा। 2018 से फिर आगे 2023 तक जितना भी टेन्योर रहा खान साहब का, उसमें देख लें आप, आपने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। बाहर जाने का मसला जो बेसिक मसला होता है ना, वो होती है महंगाई। अब मेरी फ़र्ज़ करें सैलरी 25,000 है, ठीक है, मैं आता हूँ, मेरा 22 किलोमीटर का सफ़र बनता है, ठीक है, मेरा 14,000 रुपये का फ्यूल लग जाता है, पीछे मैं बच्चों का क्या खिलाऊंगा? फिर जाहिर बात है मैं भी सोचूंगा यार इधर रहने से बेहतर मैं आउट ऑफ कंट्री जाकर। अच्छा, इन्फ्लेशन और पॉवर्टी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, और गवर्नमेंट का भी एक फेलियर है, वो भी आवाम का एक मौकफ़ है। आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में कोई हालात बेहतर हो सकते हैं हुकूमत के तब्दील होने से, या ये मुआशी हालात मज़ीद अबतर होंगे? सर मायूसी तो गुनाह है, सिंपल सी बात है, इंशाल्लाह सारी बेहतरी आएगी, हर काम इस मुल्क में बेहतर होगा, लेकिन जब तक हमारे वोट का वोट जो है ना, बेसिक हमारा वोट
वो हमारा सही काउंट नहीं ना होगा तब तक आप जो है ना वो नहीं इस मुल्क का कुछ भी कर सकते। आप बतौर एक सिटीजन के इन मौशी हालात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान में रहना प्रेफर करेंगे या बाहर के मुल्क में जाना प्रेफर करेंगे? भाई मैं तो पाकिस्तान में रहना प्रेफर करूंगा। अच्छा। सुकून हाँ, जैसा भी है जैसा भी आज़ादी से घूम सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इंजॉय कर रहे हैं अपने मुल्क में अपने फैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहाँ पे थोड़ी सैलरी में भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। अच्छा खुश हैं, हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। गुड नेम क्या आपका? मेरा नाम हसन मुश्तबा है जी। हसन साहब बताएं कि पाकिस्तान में तो इकोनॉमिक डाउनफॉलिंग दिन ब दिन बढ़ रही है, हालात जो है वो मौशी हालात अबतर हो रहे हैं, इन हालात में पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल हो गया। पढ़ा लिखा तबका जो है वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, 9 से 10 लाख लोग जो है वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो सकते हैं या ये हालात मज़ीद अबतर होंगे? हालात मज़ीद ख़राब होने आने, क्योंकि एक तो हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब है, दूसरा हमारा जॉब सेक्टर जो है वो भी काफ़ी अनफेयर है। बच्चे 4-4 साल डिग्रियाँ करते हैं, उनको यहाँ पे जॉब्स इतनी कम पे मिलती हैं, 30,000 की मिल जाती है, मैक्सिमम 60-70 की मिल जाती है। तो इससे लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो बाहर जाके कहीं जॉब ले लें ताकि उनको पे बेहतर मिले, उनकी सिचुएशन बेहतर हो, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। एक हालिया सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 9 से 10 लाख अफराद जो है वो पढ़े लिखे अफराद वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में रोज़गार के मौके ख़त्म हो गए हैं या मुस्तकबिल में हुकूमतों के बदलने से कोई इकदाम बेहतर हो सकते हैं? हुकूमतों के बदलने से बेहतर तो होंगे, लेकिन हुकूमत में बेहतरी नहीं आने वाली। हमारे ऊपर वाले लेवल पे काफ़ी करप्शन आज की भी है और वो चेंज करना तकरीबन नामुमकिन है, एक रेवोल्यूशन ही होगी। आप बतौर एक सिटीज़न के पाकिस्तान में रहना प्रेफर करेंगे या बाहर के मुल्क में जाना प्रेफर करेंगे? तो मैं प्रेफर ये करूँगा कि मैं अर्न बाहर का पैसा करूँ और रहूँ यहाँ पर, क्योंकि एक तो यहाँ पर पाकिस्तानी रुपया की अगर बाहर में कन्वर्ट करें तो पाकिस्तानी रुपया काफ़ी ज़्यादा बनता है, तो अगर मेरे पास बाहर की करेंसी होगी तो फिर मैं यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट रीप कर सकता हूँ। जी अली भाई, आप बताएं कि बतौर सिटीज़न के आप समझते हैं कि पाकिस्तान में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि 9 से 10 लाख अफराद तो 2023 में पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं और एजुकेशन सेक्टर भी तबाह, जॉब सेक्टर भी तबाह, आप इसकी ज़िम्मेदारी किस पर डालते हैं? इसकी ज़िम्मेदारी महंगाई पर डालते हैं, महंगाई बहुत हो गई है पाकिस्तान में, इसलिए लोग छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में लग रहा है कि हुकूमतों के बदलने से कोई हालात बेहतर हो सकते हैं या ये हालात मज़ीद अबतर होंगे? मेरे ख्याल में हुकूमत बदलने से कोई हालात बेहतर नहीं होंगे, इसी तरह रहेंगे, क्यों पहले बदली हुकूमत तो यही हालात थे, अब भी वही हालात। अच्छा, एक बतौर सिटीज़न के आप इन हालात में, इन मौशी हालात में, अबतर मौशी हालात में पाकिस्तान में रहना प्रेफर करेंगे या बाहर के मुल्क में जाना प्रेफर करेंगे? मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान ही बेहतर है, घर के पास है। तो अगर पाकिस्तान में रोज़गार ना मिला, नौकरी ना मिली, तो फिर क्या करेंगे? कोशिश करते रहेंगे। अच्छा, कोशिश कामयाब। तो अगर बाहर के मुल्क में कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो फिर बाहर के मुल्क को प्रेफर नहीं करेंगे? नहीं, मैं नहीं करूँगा। अच्छा, आप नहीं करेंगे? मैं नहीं करूँगा जी। मेरे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मिर्ज़ा राफ़े। जी राफ़े साहब, ये साल 2023 की जो हालिया सर्वे रिपोर्ट है उसके मुताबिक 9 से 10 लाख अफराद पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं, पढ़ा लिखा तबका बड़ी बुरी तरह पिस चुका है, रोज़गार की तलाश के लिए बाहर के मुल्क जा रहा है, आप इसकी ज़िम्मेदारी किस पर डालते हैं, सबसे बड़ा ज़िम्मेदार किसको करार देते हैं? भाई जान, सबसे पहली बात यह है कि इसका जो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार है ना, वो लोग हम खुद हैं। उसका ये है कि जब हम खुद इन चीज़ों को अपना गौरी नहीं करते हैं कि हमने इस चीज़ को कैसे जो है ठीक करना है, कभी हम आपस में इस चीज़ पर बहस कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को लें, कभी हम बहस कर रहे हैं पीटीआई को ले लें, कभी हम कह रहे हैं पीएमएलएन को ले लें, हम ये टैक्स पे कर रहे हैं, हर चीज़ में हम लोग अपनी जेब से दे रहे हैं और बाद में पिसते भी हम हैं। अगर हम ये चीज़ को सोचें कि सारा कुछ करते भी हम हैं और पिसते भी हम हैं, तो इसका क्या मतलब है कि इसमें गलती भी कुछ हमारी है। हम इनको वोट देकर लाते हैं, हम वोट किसी को देते हैं, वोट किसी को चला जाता है। अच्छा, आपको लग रहा है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान के हालात मज़ीद अबतर होंगे या बेहतरी की तरफ जा सकते हैं हुकूमतों के बदलने से? जिस दिन कोई आपका बच्चा या हमारा बच्चा या किसी मज़दूर का बच्चा इन कुर्सियों पे बैठेगा, उस दिन ही ये पाकिस्तान बहाल होगा। तब तक ये बहाल नहीं हो सकता जब तक इनके अपने बच्चों की अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, अपनी इनकी खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं। जब ये घूमेंगे प्रोटोकॉल में, आप और मैं यहाँ पर गर्मी में फिर रहे हैं, गर्मी में पिस रहे हैं चक्की की तरह, चक्की में हम आटे की तरह पिस रहे हैं, लेकिन वो लोग प्रोटोकॉल्स में, वो लोग अपने जो है बड़े बड़े घरों में, विलाज में घूम रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपको लगता है कि ये हालात जो है वो मज़ीद ख़राब होंगे या
इन हालात में कोई बेहतरी आ सकती है। और लास्ट पे क्या आप बतौर एक सिटीज़न के पाकिस्तान में रहना प्रेफर करेंगे या बाहर के मुल्क में जाना प्रेफर करेंगे? यार सबसे पहली बात यह है कि हर किसी को अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है, ठीक है, दिल तो यही कहता है कि अपने मुल्क में रहें, पाकिस्तान में रहें जी। तो लेकिन यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है। यहाँ पे आप अब हिसाब लगा लें कि पेट्रोल की क्या कीमत चल रही है। जो बंदा पहले 5 लीटर पेट्रोल डलवाता था, 5 लीटर अफोर्ड कर पाता था, अब वो अफोर्ड 5 लीटर ही कर पाता है, लेकिन वो 5 नहीं है, वो 3 डलता है। जो 5 लीटर में वो 2 दिन गुजारता था, अब उसका 1 दिन गुजरता है। इस तरह वो पिसते जा रहे हैं हम लोग, और हम लोग मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं। पेरेंट्स की राय आपके सामने रखी, और आपने इस हवाले से तमाम लोगों की राय भी सुनी कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो इस मुल्क के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और इस मुल्क का एक कीमती असासा है, लेकिन हुकूमतों के इनिशिएटिव्स, हुकूमतों के फेलियर्स ये आपके सामने हैं। अगर हुकूमतें बर वक्त इकदाम ना कर सकें आइंदा मुस्तकबिल में, तो इस तरह के जो ख़तरात हैं वो मंडलाते रहेंगे, और पढ़े लिखा जो तबका है, पढ़ा लिखा जो रोज़गार तलाश करने वाला नौजवान है, वो इसी तरह पिसता रहेगा। गुर्बत भी है, महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है। तो इन हालात में पाकिस्तान के हालात आपके सामने, और एक पढ़ा लिखा जो शख्स है वो बाहर के मुल्क में जाने को तरजीह दे रहा है। इस हवाले से एक नए सेगमेंट के बाद में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।